और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूं, मुझे बस मेरी लड़की दे दो। 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में उस लड़की को रगड़ा। सब कुछ वही थी, कमाने वाली दमाने वाली, मैं तो बीमार हूँ 2 साल से, मेरी किडनी खराब, मेरी लड़की के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे बस मेरी लड़की दे दो। और ये जानबूझ के सरासर ये एक्सीडेंट नहीं है, उस लड़की का, लड़की को अकेले देख के उसके साथ कुछ ना कुछ वारदात हुई है, कुछ ना कुछ उसके साथ घटना हुई है, जिसके कारण बॉडी अलग है और स्कूटी अलग है। ये सरासर कहना गलत है कि लड़के के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या मर्डर हुआ है, क्योंकि जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है वो फ्रंट पार्ट का फोटो है, जो बैक पार्ट का फोटो हमारे पास है और वो शायद आप देख भी नहीं पाएंगे, जो इतने क्षतविक्षत हालत में है, जहाँ पे बैक के रिब बोन्स भी, स्कल के बैक पोर्शन भी घसीट जाने की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे में शरीर पर कपड़ा बना रहे इसकी संभावना बहुत कम होती है, और जो बॉडी हमने रिकवर की वहाँ पे कपड़ा उनका फटा हुआ था, पैर में लिपटा हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है, और जो लोग भी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर, ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है, और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है, वो लोग दारू पी के गाड़ी चला कैसे रहे थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, क्या दिल्ली पुलिस की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कल रात दिल्ली में, ये बहुत 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 डराने वाली बात है। दिल्ली महिला आयोग ने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को और मैं चाहती हूँ कि एक्शन हो।